हेलो इन्वेस्टर्स स्वागत है आपका माँ शेयर मार्केट में आज आपसे बात करेंगे हम अमर राजा बैटरीज के बारे में अमर राजा इन्वेस्टेड इन ई वी बैटरी स्टार्टअप लॉन्ग नाइन मटीरियल्स तो यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है बहुत बड़ी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे अभी बेंगलुरु बैंगलुरूग नाइन मटीरियल स्टार्टअप बिल्डिंग एडवांस बैटरी फॉर फ्यूल टेक्नोलॉजीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैज़ रेज एट पॉइंट फाइव मिलियन इन अ फंडिंग राउंडेड लेट बाई अमर राजा बैटरीज दिस इन्वेस्टमेंट गिव द लिस्टेड बैटरी मेकर एंड एलेवन पॉइंट थर्टी सिक्स परसेंट स्टेक इन द स्टार्टअप मेकिंग इट द प्राइमरी पार्टनर फॉर मैनुफैक्चरिंग ई वी बैटरीज एंड डेवलपिंग फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज़ तो यहाँ पर देखिए हमारा जहाँ बैटरी एक अच्छी खास इन्वेस्टमेंट करी है वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अब मेन चीज़ क्या है देखिए मैंने ये इसके ऊपर पहले भी कई बार वीडियो बनाई थी कि अभी बैटरीज बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे अपने को शिफ्ट कर रही है लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए लिथियम आयन बैटरीज में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपकी घड़ी में छोटे छोटे सेल होते हैं जो तो अपने वॉल वॉल पे वो क्लॉक लगाते हैं तो वोल क्लॉक में जो सेल लगते हैं वो लिथियम आयन सेल्स से होते हैं तो उन्हें एक कार के बेस में इकट्ठा कर दिया जाता है बाद में उन्हें एक एक साथ ज्वाइन करके उसे आ, जो आपकी मोटर है उसे कनेक्ट कर दिया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में पावर जनरेट होती है राइट अभी यहाँ पर चीज़ें कुछ निकल के आती हैं क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं चाहे वो अशोक ले लैंड हो फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है टाटा मोटर्स है तो ये कभी भी अपनी बैटरीज यहाँ से परचेज़ नहीं करेंगी यहाँ से मेन अमर राजा बैटरीज से जैसे एक्साइड से परचेज नहीं परचेज़ नहीं करेंगी उसके पीछे लॉजिक क्या है देखिए यहाँ पर कंपनी का जो फोर्टी परसेंट रेवेन्यू जनरेट होगा मतलब कि एक कार का अगर एक लाख की कार है तो उसमें से फोटी थाउजेंड रुपीज़ उसकी बैटरी के ऊपर मतलब कि उसका जो इंजन है उस पर स्पेंड करने पड़ेंगे तो जब इतने बड़ा अमाउंट आप किसी भी कंपनी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो बहुत सोच समझ के करती है क्योंकि उनके व्हीकल काफ़ी ज़्यादा सेल करते हैं तो यहाँ पर कंपनीज अगर इनसे बैटरीज परचेज करेगी तो इन्हें भी कमीशन देना पड़ेगा इन्हें भी रेवेन्यू में से हिस्सा देना पड़ेगा इसलिए कंपनी कभी भी बड़ी कंपनी इनसे से परचेज़ नहीं करेगी टाटा मोटर की बात करें तो उनके पास टाटा केमिकल है और पावर देने के लिए टाटा पावर है ऐसी ही और कंपनीज़ भी हैं जो बड़े बड़े टाइप करते हैं और खुद की बैटरी ही बनाएंगे लेकिन कुछ छोटी कंपनीज भी हैं जैसे ऊर्जा ग्लोबल हो गई रतन इंडिया हो गई और आपकी ओला हो गई ऐसी बहुत सी स्टार्टअप्स हैं वो छोटी कंपनी हैं जो खुद बैटरीज नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती उनके पास अब यहाँ पर क्या सोल्यूशन बचता है उनके पास सोल्यूशन बचता है अमर राजा बैटरी एक्साइड बैटरी तो इन कंपनी का अंत टाइप अप करना पड़ेगा और ये चीज़ें ये समझ रहे हैं क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा दबदबा है अमर राजा बैटरी का और साथ ही साथ एक्साइड का तो ये धीरे धीरे खुद को शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पर इनकी शुरुआत हो चुकी है तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं आप यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना हो तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही